हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे अपनी साइंस की जो क्लास चल रही थी उसका पार्ट नंबर 49 और केमिस्ट्री की जो क्लास चल रही थी उसका पार्ट नंबर 8 आज करने वाले हैं। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। जैसे आपको पता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। जो आपका ऑक्सीकरण अपचयन वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम अलग पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, यानी कि आपका संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद में आपका डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर हम पढ़ेंगे जो आपका कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, और ये आपके कैसे अभिक्रिया को चेंज करते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आपसे वादा है अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो आपको रासायनिक अभिक्रिया जो है इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का कोई सा क्वेश्चन आ जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी एनटीपीसी की एग्जाम फिलहाल चल रही है, उसके बाद में CBD 2 होगा और आपके ग्रुप डी का एग्जाम है वो आपके लगभग जो मिड ऑफ अप्रैल है उससे शुरू हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो आपके ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट सही होता है। इसके अलावा ऑनलाइन आप जब टेस्ट देते हो तो वहां पर कौन कौन सी आपकी वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकनेस है उसको आप चेक कर सकते हो। तो टेस्ट बुक एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर गाइज आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और यहां पर एक साल के लिए इनका सब्सक्रिप्शन है मात्र 270 रुपीज में आपको मिल जाता है। इसमें आपके रेलवे एग्जाम हो, SSC का हो, बैंक का हो, कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सारी की सारी आपकी जो टेस्ट सीरीज है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक साथ ही मिल जाती है। मतलब एक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो और सारी आपको फ्री मिल जाती है, यानी कि आपको अलग अलग पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर ग्रुप डी के लिए बात करें तो ग्रुप डी के लिए यहां पर बहुत सारी टेस्ट अवेलेबल है, लगभग 300-300 टेस्ट यहां पर अवेलेबल है, फ्री भी है, सेक्शनल भी है, और यहां पर टॉपिक वाइज और आपके सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है और साथ ही आप खीमराज कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए जो प्राइस है यहां पर गाइस 10% डाउन हो जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, वहां जाकर अभी तक आपने किसी प्रकार का टेस्ट नहीं लिया है तो आप टेस्ट बुक का ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, मतलब केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए कल मैंने आपको जो क्लास हुई थी अपनी उसमें बताया था रासायनिक परिवर्तन व भौतिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो किसी भी पदार्थ है उसमें जो केमिकल चेंज होता है ना, रासायनिक परिवर्तन होता है, दरअसल उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी पदार्थ के रासायनिक गुण जो होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और उसका संगठन जो होता है, मतलब किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें परिवर्तन होना ही आपका कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और रासायनिक समीकरण लिखना भी हम सीख चुके हैं। और रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, वो भी मैं आपको गाइस कर चुका हूं प्रीवियस क्लास में। तो आप उसको नहीं दिखा है एक बार आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है इनके बारे में। तो देखिए पहली जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करूं तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो पहली जो होती है वो आपकी होती है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया पहली वाली होती है, संयोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा जो नाम होता है ना, वो होती है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोलो तो अंग्रेजी में देखिए इसको दो नाम, एक तो एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं या इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। तो देखिए होती क्या है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है अगर ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं, तो मान लीजिए अभिकारक के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, वापस से बताता हूं अभिकारक क्या होते हैं, रिएक्टेंट इनको बोलते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मान लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं ना। देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, भाई ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और दोनों ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी, तो ये दोनों होते हैं ना कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या कहलाते हैं?
ये आपके कहलाते हैं अभिकारक, है ना, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और अभिक्रिय के पश्चात जो यहां पर पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका उत्पाद या फिर प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें भैया जो आपके अभिकारक जो है ना, अभिकारक वो तो क्या हो, एक से ज्यादा हो, है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो और उत्पाद क्या हो, एक हो। यानी कि मैं अगर आपको देसी एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं तो मान लीजिए आपके पास दो छोटे छोटे लड्डू हैं, एक हाथ में छोटा सा लड्डू ये रहा, एक हाथ में छोटा सा ये लड्डू ये रहा, दोनों को मिलाकर एक कर दिया, मतलब क्या हुआ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं संयोजन। इंग्लिश में आपको बताऊं, इन ए रिएक्शन टू रिएक्टेंट, when two reactants are combined and make one product, यानी कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें आपके दो reactant होते हैं और मिलकर आपके single product, एकल product का निर्माण करते हैं उसको हम guys क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका संयोजन अभिक्रिया। इसका सीधा सा example आपके सामने लिख रखा है कि C+O2 यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी है, इसे हम बोलेंगे संयोजन यानी कि योगात्मक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ये जो एग्जांपल है ना ये आपका रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, Mg+O2 और दैट इज MgO, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम जो आपका रिबन है या मैग्नीशियम है अगर आप उसको ऑक्सीजन में जलाया तो वो आपके MgO में बदल गया। अब यहां पर प्रश्न ये नहीं है कि क्या बना, यहां पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब आप ऑक्सीजन के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो यहां पर किस प्रकार का पदार्थ बनता है। तो ध्यान रखना है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया तो जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है ना ये आपका श्वेत कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये आपके रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा जाता है और जो भी आपकी रेलवे या कोई भी एग्जाम होती है कॉम्पिटेटिव उसमें आपको पूछा जाता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो यहां पर कौन सी मतलब किस रंग का पदार्थ बनता है, तो ध्यान रखना है व्हाइट कलर का आपका क्या बनता है पदार्थ। तो ध्यान रखना है संयोजन अभिक्रिया के बारे में इतना सा ही है कि जब आपके दो प्रोडक्ट, दो आपके जो क्या होते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं, दो अभिकारक होते हैं और दोनों अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, Mg+O2 MgO, मान लीजिए C+O2 क्या हो गया CO2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके संयोजन अभिक्रिया के हो सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है दो उत्पाद, दो अभिकारक होते हैं और दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम दूसरी पढ़ते हैं, इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल इसकी उल्टी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी प्रकार के अभिक्रिया जिसको बोलते हैं अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको डिसोसिएशन या इसको बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये इसकी जस्ट उल्टी है। देखिए अभी हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, एडिशनल रिएक्शन, उसमें क्या होता था, दो छोटे छोटे अभिकारक थे वो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर क्या होगा, एक अभिकारक जो होगा, एक बड़ा अभिकारक दो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपका दो क्या है, इस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से ए और बी, ठीक है, इस प्रकार से मिल रहे हैं दो आपके, एक बड़ा क्या है अभिकारक है तो वो इस प्रकार से दो उत्पाद ए एंड बी में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया। अब आपको मैं साइंस की बात से बताऊं तो यहां पर वियोजन जो अभिक्रिया है ना उसको कैसे बोलेंगे, जब आपके दो वाक्य, जब आपका एक अभिकारक जो होता है दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटनीय या वियोजन अभिक्रियाएं, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक या सिंगल जो आपका रिएक्टेंट होता है वो आपके दो या दो से अधिक आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर टूट जाता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है उस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटनीय यानी कि वियोजन रिएक्शन। यह जो अभिक्रिया होती है तीन प्रकार से हो सकती है, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सी हो सकती है, तीन प्रकार से। देखिए पहली जो होती है उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन, तीन प्रकार से हो सकती है। पहली होती है विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत के माध्यम से, विद्युत अपघटन, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइस, इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि विद्युत अपघटन। इसमें देखिए फर्क क्या है, देखिए
इस प्रकार का जो अपघटन होता है ना, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई विलयन है, उस विलयन में जब आप विद्युत धारा देते हैं तो उसमें जो आपके अभिकारक हैं वो आपके दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पानी है, है ना, वाटर है, वाटर का क्या है, सॉल्यूशन है, वाटर है, पानी है, उसका सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे देते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर देते हो, तो आपका H2 प्लस O2 इस रूप में आपके टूट जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, आपके गैस फॉर्म में। तो पहला एग्जांपल तो ये है विद्युत अपघटन का। दूसरा मान लीजिए आपका NaCl है, नमक है, तो नमक जो है, नमक में जब आप विद्युत धारा देते हो, नमक के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो आपका क्या बनता है, Na+Cl2। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से गाइस ये आपके ब्रेक हो जाते हैं, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका है, आपका जो पहला है विद्युत अपघटन, ये इस प्रकार से होता है, ध्यान रखना। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो Cl2 होती है ना, वो एक गैस बनकर उड़ जाती है। इस प्रकार से जो गैस होती है वो आपके इस प्रकार से गैस बनकर आपके उड़ जाती है। ठीक है, तो आपका पहले प्रकार का है जिसे हम बोलते हैं विद्युत अपघटन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइस, आपका डीकम्पोजिशन। दूसरा जो होता है गाइस, इसको हम बोलते हैं तापीय या ऊष्मीय अपघटन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन, एक ही बात है, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ऊष्मीय अपघटन इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या होता है कि जब आपका कोई पदार्थ होता है, जब आप ऊष्मा देते हो, मतलब उसके अंदर गर्म करते हो, उसके अंदर ऊष्मा देते हो, है ना, एनर्जी, उसको हीट देते हो, तो क्या हो जाता है, वो पदार्थ आपके दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर देते हो, गर्म कर देते हो, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और आपका CO2 गैस बनती है, और यही आपका होता है बिना बुझा हुआ चूना, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, है ना। जो स्केल आपका जो स्केम स्केल लाइम होता है ना, ये आपका CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और आपको ध्यान रखना है इसे ही क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। दो प्रकार के चूने होते हैं, एक बुझा हुआ, एक बिना बुझा हुआ। बिना बुझा हुआ का मतलब क्या है, उसके अंदर वाटर नहीं है। अगर इसके अंदर वाटर ऐड कर दूं CaO में, देखिए क्या होगा, अगर ये CaO भाई साहब हैं, अगर इनके अंदर मैंने वाटर यानी कि H2O जल ऐड कर दिया, तो क्या होगा, यहां पर देखिए ये बनेगा CA और आपका OH2। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा, इसे बोलते हैं क्विक लाइम, यानी कि आपका बुझा हुआ चूना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये आपका दूसरे प्रकार का है ऊष्मीय अपघटन। इसमें क्या होता है, अगर कोई आपका आपके पास पदार्थ है, कोई अभिकारक है, तो उसमें क्या करोगे, जब उसका तापमान बढ़ा दोगे, उसके अंदर आप हीट दे दोगे, तो क्या जाता है, दो या दो से अधिक आपके प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन। तीसरे वाले की बात करते हैं, तीसरे वाले के बारे में, तो तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं ताप, आपका बोलते हैं तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्रकाश अपघटन। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है आपका होता है प्रकाश अपघटन। और गाइस ध्यान रखना, ठीक है, पहले आपको मैं पढ़ाता हूँ फिर बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। प्रकाश अपघटन इसको बोलते हैं, इसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन आप बोल सकते हो। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई पदार्थ है, कोई क्या है आपके पास, कोई रिएक्टेंट है, जब आप उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिराते हो, और अगर सूर्य का प्रकाश गिराने पर वो आपके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश अपघटन। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है HBr, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड में आप जो आपके पास जो यूवी है, यानी कि प्रकाश की जो तरंगे हैं, देखो प्रकाश है ना, उसको यूवी से रिप्रेजेंट किया जाता है, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी अभिक्रिया में अगर प्रकाश को प्रदर्शित करना है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई अभिक्रिया किसी ताप, दाब या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, तो रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो तीर के निशान के ऊपर हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति में हो रही है, तो तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे भाई कैसे हो रही है। ये अभिक्रिया टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर है, तो देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पर ये डेल्टा का निशान बनाया था ना त्रिभुज का, ये ध्यान रखना, ये त्रिभुज का सिंबल नहीं है, ये आपका गर्म करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाया है उसका सिंबल है, ध्यान रखना है। पूरी केमिस्ट्री में इस प्रकार से होता है। यहाँ पर अगर यूवी लिखा गया है तीर के निशान के ऊपर, तो ध्यान रखना है इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिराया गया है। तो देखिए जब आप HBr के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिराते हो, तो ये आपका H2
प्लस Br2 यानी कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अंदर ब्रेक हो जाता है। और गाइस ध्यान रखना है, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये तीनों जो एग्जांपल है रेलवे ग्रुप डी 2018 में बार बार पूछे गए थे, तीनों के तीनों जो एग्जांपल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके रखिएगा। तीनों का विद्युत अपघटन, ऊष्मा अपघटन और आपका प्रकाश अपघटन। प्रश्न कैसे पूछा गया था, प्रश्न पूछा जाता है भाई आपको दे देगा H2 और यहां दे देगा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बताइए उत्पाद क्या बनेगा। प्रश्न पूछा गया था CaCO3 है, जब आप इसको तापमान देते हो, गर्म करते हो, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन में आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश अपघटन, तो गाइस इसको आप नोट डाउन कीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीनों जो एग्जांपल है तीनों में बस एक कॉमन है कि जो अपघटनीय अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, आपका एक प्रोडक्ट, एक आपका रिएक्टेंट होता है, एक अभिकारक होता है और वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। देख लीजिए सारे के सारे तीनों प्रकार में एक आपका अभिकारक है और उससे दो या दो से अधिक क्या बन रहे हैं, आपके उत्पाद बन रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम तीसरी अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपके अगली अभिक्रिया के बारे में जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट, एक ही बात है दोनों के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं यानी कि आपका विस्थापन अभिक्रिया। और गाइज इसमें आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन है उसको आज मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, आज आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में इतना डिटेल्स बता दूंगा कि आपका विस्थापन अभिक्रिया यानी कि रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट दोनों अभिक्रियाओं में आपके कुछ भी गलत नहीं होगा। तो तीसरा हम पढ़ते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया या इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं, ध्यान नहीं वो एक ही बात है, विस्थापन या प्रतिस्थापन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आपका रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, या इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक ही बात है। अब देखिए होती क्या है, देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि भैया विस्थापन कर देंगे एक दूसरे को, मतलब डिस्प्लेस कर देंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक आपका पदार्थ है वो ऑलरेडी किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिला हुआ है। मान लीजिए पहले क्या होता था, मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊं, भारत के इतिहास के बारे में, तो होता यह था कि मान लीजिए कोई एक राजा है ना, कोई भी आप सम्राट मान लीजिए, उसने किसी भी दुर्ग के ऊपर किसी भी आपके उसके पास कोई महल है ना, उसके ऊपर अधिकार कर रखा है ना। तो जैसे भारत का इतिहास आप पढ़े होंगे, तो मान लीजिए पहले भारत में शासन कर रहे थे ना, कि भाई विस्थापन का मतलब क्या है, जिसके पास ज्यादा पावर है वो उसको हराकर उसके ऊपर अधिकार कर लेगा। जैसे मैं आपको शॉर्ट भाषा में बताऊं तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, अगर मैं आपको साइंस की भाषा में बताऊं कि मान लीजिए ये एक है ए है और ये आपका बी है, ये दोनों आपस में साथ साथ हैं, अब एक तीसरा आया सी, तो वो क्या करेगा इन दोनों को अलग अलग कर देगा और ठीक है जो सी है वो ए के साथ जुड़ जाएगा इस प्रकार से ए और सी, और इस बी को क्या करेगा विस्थापित कर देगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको साइंस की बात से बताऊं तो देखिए जब एक अधिक क्रियाशील परमाणु होता है, जब एक मोर रिएक्टिव आपका एटम जो होता है ना, जब एक अधिक क्रियाशील परमाणु जो होता है दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, जब एक अधिक क्रियाशील परमाणु एक कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है, इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब सर हमको कैसे पता लगेगा कि भैया कौन किसको प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है हमको कैसे पता लगेगा कि भाई ये अधिक पावर है, ये अधिक पावरशाली है या अधिक शक्तिशाली है या कौन सा अधिक शक्तिशाली है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से यहां पर बताने वाला हूं कि यहां पर कौन सा अधिक शक्तिशाली है, कौन किसको विस्थापित कर पाएगा या कौन किसी को विस्थापित नहीं कर पाएगा। चलिए इधर लिखते हैं, तो देखिए यहां पर एक ट्रिक है जो मैं आपको यहां पर बताता हूं और उसकी मदद से हम यहां पर करेंगे कि कौन किसको विस्थापित करेगा। तो देखिए यहां पर ट्रिक यह है, देखिए काली नाव का मालिक आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है भाई काली यानी कि आपका काली नाव का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, याद हो जाएगा काली नाव का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, याद हो जाएगा ना भाई, थोड़ा सा आप दो चार बार इसको पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा, काली नाव का मालिक आलू जरा फीके पकाता है ना। इसके बाद आएगा क्यों जी हाँ जी ए जी ए यू, ठीक है ये इसके बाद में है क्यों जी हाँ जी ए जी
और AU, ये ट्रिक है। देखो मेरे को तो याद हो गई है, ठीक है मैं एक बार वेरीफाई और कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, काली नाव का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, क्यों जी हाँ जी AG AU, ठीक है ये आपकी ट्रिक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये लिखने का मतलब क्या है, इसलिए इसको लिख, अब देखो नाम तो आपको पता होना चाहिए भाई, आपका क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, आपका लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, आपका मर्करी है, HG पारा मर्करी, ये आपका है अर्जेंटिनम, यानी आपको पता होगा चांदी या सिल्वर बोलते हैं, और ये आपका है सोना ऑरम जो होता है वो। अब ये सीरीज है, इसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, या इसको अगर हिंदी में बोले सक्रियता श्रेणी, इसको हिंदी में बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव, रिएक्टिव सीरीज है ना, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये क्या चीज है, ठीक है रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसका मतलब है कि भाई जो ऊपर आएगा ना वो अधिक शक्तिशाली है, जो इस सीरीज में ऊपर आएगा वो अधिक शक्तिशाली है, जो इस सीरीज में नीचे आएगा वो कम शक्तिशाली है। और आपको पता होगा भाई अधिक शक्तिशाली जो है वो कम शक्तिशाली को विस्थापित कर सकता है। मान लीजिए मैं इस हाइड्रोजन की लड़ाई अगर जिंक से करवा दूं तो बताइए जिंक जीतेगा नहीं जीतेगा, जीतेगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ये वाला अगर इसकी लड़ाई में ऊपर वाले से करूं तो ऊपर वाला जीतेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इससे इस सीरीज, इससे वो सीरीज आपको लिख रखी है, ये सक्रियता श्रेणी लिख रखी है, इसको आपको ये पता लगाना है कि कौन सा अधिक आपके क्या है रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही अधिक प्रतिस्थापन करेगा। ध्यान रखना है कि इसको कोई विस्थापित नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम को, ये सबसे अधिक शक्तिशाली है, इसको कोई विस्थापित नहीं कर सकता, ये सबसे नीचे इसको सब कर देंगे। चलिए आपके सामने मैं यहां पर क्वेश्चंस करवाता हूं और फिर देखना आप विस्थापन अभिक्रिया को कैसे समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपसे मैं एक अभिक्रिया लिखूं, यहां पर देखकर देखिए जैसे हम एक अभिक्रिया लिखते हैं कि बताइए कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आपको करवा रहा हूं, कॉपर सल्फेट प्लस Fe और यहां पर अभिक्रिया होती है FeSO4 प्लस CU। देख लीजिए अब यहां पर प्रश्न पता कैसे पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा अगर आपके पास कॉपर सल्फेट्स को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, भाई नाम लेकिन मैंने आपको सिखा दिया है तो अब देख के बता सकते हो इसको बोलते हैं कॉपर ये सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आपने लोहे की कील डाल दी, प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए ग्रुप डी में अगर लोहे आपने कॉपर सल्फेट जो है कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने लोहे की कील डाल दी तो बताइए उसका रंग चेंज क्यों हो जाता है, ऐसे प्रश्न पूछता है भैया, ठीक है प्रश्न ऐसे पूछता है अगर आपने कॉपर सल्फेट जो है कॉपर सल्फेट सल्फेट के अंदर अगर लोहे की कील डाल दी है ना तो उस लोहे की कील का कलर चेंज क्यों हो जाता है, यह प्रश्न पूछता है। तो आपको बताना है कि भैया वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है कैसे होती है, देखिए तो देखिए आपको बताया था कि भैया यहां पर देखिए उसको समझिए, कॉपर सल्फेट है ये दो जने हैं, कॉपर के साथ सल्फेट मिल रहा है लेकिन अब आ गए कौन आक्रमण करने के लिए लोहा यानी कि Fe। अब आप इस सीरीज में देखिए, इस सीरीज में देखिए कि भैया पहले आपका कॉपर कहां पे है और आपका लोहा कहां पे है, तो कॉपर देखिए ये रहा कॉपर तो भैया ये रहा और लोहा कहां पर Fe ये रहा, देखिए यहां पे तो बताइए एक कॉपर है ये आपका Fe है, Fe इस सीरीज में ऊपर है या नहीं है, भाई आपका आयरन जो है Fe जो है वो आपके ऊपर है नहीं है ऊपर, इसका मतलब क्या करेगा ये आपके कॉपर को भगा देगा इस सॉल्यूशन में से, कॉपर से कह देगा आप जाइए, ठीक है आप जाइए दूर और मैं इस सल्फेट के साथ जुड़ जाता हूं। तो इस प्रकार से आपके जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो आपके होती है, यानी कि आपका जो अधिक क्रियाशील वाला जो परमाणु है इस सीरीज में, जो आपका अधिक रिएक्टिव आपका जो क्या है एटम है वो कम रिएक्टिव एटम को विस्थापित देता है, रिप्लेस कर देता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं आपका विस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए और एग्जांपल की बात करते हैं आपके सामने, मान लीजिए एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम लेते हैं कि आपका ZnZn और CO3 जिंक कार्बोनेट है, ये हमने ले लिया और इसकी अभिक्रिया हमने करा दी भैया किससे, कैल्शियम से, तो देखिए क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर बनेगा Ca और CO3 प्लस बनेगा Zn, ये भी आपके जो विस्थापन अभिक्रिया है इसका एग्जांपल है ZnCO3 प्लस Ca और यहां पर CaCO3 प्लस Zn। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए इस जो आपका कार्बोनेट है ये वाला CO3 इसके साथ पहले जिंक जुड़ रहा था, जिंक भाई साहब कहां है, जिंक भाई साहब ये रहे, लेकिन अब अभिक्रिया किसे करा दी हमने, कैल्शियम से और कैल्शियम ये रहे, मतलब कैल्शियम इससे ऊपर है, इसलिए क्या करेंगे जो कैल्शियम भाई साहब हैं वो इस जिंक से कहेंगे आप यहां से जाइए
डालिए, दूर भगा देंगे और इस कार्बोनेट के साथ खुद कैल्शियम जुड़कर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं आपके आपके विस्थापन यानी कि डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आपकी जो विस्थापन अभिक्रिया है ये यहीं खत्म नहीं होती। यहां पर देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा, देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा, ये एग्जाम्पल मिटाएंगे ना, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न देखिए कैसे बनता है, प्रश्न ये बनता है निम्न में से कौन से अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, आपने सोचेंगे ये कैसा प्रश्न आ गया, देखिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया। अब देखिए ऐसे कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर ही लीजिए एक बार, क्योंकि मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ कराने वाला हूं ना इन दोनों अभिक्रियाओं को। ठीक है, मैं साइड में जाता हूं, इन दोनों अभिक्रियाओं को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं कई क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है या नहीं। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल है और कौन सी नहीं है, उसके बारे में देखेंगे। एक बार आपको नोट डाउन कीजिए, फिर आपके सामने में बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर करवाता हूं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए तो यहां पर देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि बताइए निम्न में से कौन से अभिक्रिया संभव है। देखिए प्रश्न कैसे आएगा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, यानी कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होगी कौन सी नहीं होगी। कैसे देखिए, मान लीजिए पहली अभिक्रिया मैं आपके सामने लिखूं कि भैया देखिए, मान लीजिए एक अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिख दिया कि FeSO4 प्लस Cu, और यहां पर मैं लिख दिया CuSO4 प्लस Fe, फर्स्ट रिएक्शन। दूसरी जैसे मान लीजिए जिंक SO4 प्लस Al, और यहां पर लिख दिया Al2SO4 फ्री और आपका ZN। चार अभिक्रिया लिख लेते हैं, मान लीजिए ये एक अभिक्रिया है, ये आपका है NaCl प्लस ZN ZnCl2 प्लस Na, और चौथी रिएक्शन है यहाँ पर क्या बनाते हैं, ओके ये बना लेते हैं PbO प्लस आपका मैग्नीशियम, और यहां पर आपका जाएगा MgO प्लस Pb। ओके, आपको चार अभिक्रियाएं हैं यहां पर बतानी है कौन सी संपन्न होगी कौन सी नहीं होगी। देखिए समझ देते हैं, भाई आपका फेरस सल्फेट है FeSO4, इसने अभिक्रिया की कॉपर से, और कॉपर सल्फेट प्लस Fe कौन सी बनेगी, है ना। दूसरी ZnSO4 जिंक सल्फेट है, उसने एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करी और एल्यूमिनियम सल्फेट बना दिया और यहां पर जिंक बना दिया। सोडियम क्लोराइड नमक जो है उसने जिंक से अभिक्रिया करी, जिंक क्लोराइड बन गया और आपका सोडियम बन गया। और आपका जो लेड ऑक्साइड है PbO, उसने अभिक्रिया करी आपके Mg से यानी कि आपके मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना प्लस आपका लेड P बना। बताइए कौन सी अभिक्रिया होगी कौन सी नहीं होगी। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे प्रश्नों में यह पहचानना है कि इनमें विस्थापन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना ये आपके विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। देखिए यहां पर एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर कॉपर अकेला था और कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ गया, और यहां पर देखिए सल्फेट ये था, मतलब हुआ क्या, ये सारी की सारी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको यह पहचानना है कौन सी होगी या नहीं, तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें अगर कोई आपका जो एटम है वो अगर ऊपर आ रहा है तो वो आपको विस्थापन अभिक्रिया देगा, और अगर नीचे आ रहा है तो आपके विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। चलिए समझाते हैं आपको, पहली जो अभिक्रिया है वो ये कि जो आपका FeSO4 है उसने कॉपर से अभिक्रिया करी और कॉपर सल्फेट बना दिया, मतलब आपको यह चेक करना है कि जो कॉपर है ना इसने भैया Fe का विस्थापन किया तभी तो कॉपर सल्फेट बना। भाई ये आपका FeSO4 है फेरस सल्फेट में से Fe को विस्थापित कर दिया, इसका मतलब क्या है कॉपर सल्फेट बन गया, मतलब कॉपर ने फेरस को विस्थापित कर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो चेक करिए कि कॉपर कहाँ आता है, भैया कॉपर तो ये रहा, कॉपर ये रहा और अभिक्रिया में दे रखा है कि जो कॉपर है उसने Fe को विस्थापित कर दिया, जबकि कॉपर तो ये रहा और Fe ये रहा। बताइए कॉपर क्या कॉपर जो है इसको विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नीचे वालों को कर सकता है ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए क्या बोलेंगे भैया ये वाली अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका कॉपर है वो सक्रियता श्रेणी में रिएक्टिविटी सीरीज में Fe से नीचे है, अगर ऊपर होता तो आपकी इस अभिक्रिया संपन्न होती, नहीं तो नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं,
ZnSO4 प्लस एल्यूमिनियम। देखिए अब आपको ये चेक करना है कि जो एल्यूमिनियम है वो कहाँ आते हैं। देखिए एल्यूमिनियम रही ये है, एल्यूमिनियम भाई साहब ये रहे, और दूसरी बात हो रही है जिंक की, और जिंक ये रहा। तो देखिए बताइए जो जिंक है, जिंक को एल्यूमिनियम विस्थापित करेगा, रिप्लेस करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम है वो इसे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से कहेगा भैया आप जाइए, और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा, तो बिल्कुल दूसरी अभिक्रिया संपन्न होगी। समझ आ रहा है ना भाई, कुछ नहीं करना, बस आपको ये चेक करना है जो ऊपर आएगा उससे वो उसको विस्थापित करेगा, और अगर नीचे आए तो विस्थापित नहीं कर पाएगा और अभिक्रिया भी नहीं होगी। यहां पर चेक करते हैं NaCl, और ये अभिक्रिया कर रहे हैं जिंक से। जिंक भाई साहब सोडियम से कह रहे हैं, जिंक क्या कह रहे हैं सोडियम से, आप हट जाइए। बताइए सोडियम भाई साहब यहां पे हैं ऊपर ही ऊपर, और कौन कह रहा है इससे, जिंक भाई साहब ये छोटे से कह रहे हैं, इतने बड़े से, बड़े बड़े से आप हट जाइए। हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते ना, इसका मतलब यह अभिक्रिया भी नहीं होगी। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम भाई साहब कर रहे हैं किससे, पीबी से। मैग्नीशियम भाई साहब ये रहे किससे कह रहे हैं, पीबी से, पीबी तो इससे नीचा है, इसका मतलब यह अभिक्रिया संपन्न होगी। तो इस प्रकार से गाइस आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि भैया विस्थापन अभिक्रिया जो है बताइए कौन सी संपन्न होगी या कौन सी नहीं होगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया आपकी खत्म है। आगे बढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यह एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर गाइस एक चीज आप नोट और कीजिएगा कि यहां पर देखिए जो आपका फेरस सल्फेट है, मैं आपको बताना भूल गया, बताते देखिए फेरस सल्फेट है, जब उसके अंदर कॉपर डाला जाता है ना, तो यहां पर लोहे की जो कील होती है ना, मैं आपको जो पिछला एग्जांपल करवाया था, जो एग्जांपल करवाया था ना कि भाई कॉपर सल्फेट जो होता है ये वाला, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट में जब आप लोहे की कील डालते हो तो FeSO4 प्लस CuO बनता है ना। तो आपको मैंने बताया था कि भाई आपका जब लोहे की कील को आप कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डालते हो तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, मैं बता देते भूल गया, इसमें इतना खो गया। तो देखिए होता यह है कि जब कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कील को डालते हो ना, तो यहां पर क्या होता है कि जो लोहा है मतलब आयरन जो होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद यहां पर सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। इसलिए यहां पर क्या होता है, जो आपका लोहा है वो सल्फेट से जुड़ने के कारण जो सल्फेट इसके अणु के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका जो कलर हो जाता है वो आपका भूरा हो जाता है, मतलब इसका जो कलर हो जाता है आपका ब्राउन हो जाता है। जबकि जो कॉपर सल्फेट जो था, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो आपका ब्लू होता है, है ना, इसको ब्लू विट्रिल भी बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। तो यहां पर जो आपका ब्लू कलर होता है वो उसमें कलर में क्या हो जाता है, थोड़ा सा का फेड सा हो जाता है, मतलब धुंधला धुंधला ब्लू हो जाता है। तो ये आपको और ध्यान रखना है, मैं आपको बता भूल गया था विस्थापन अभिक्रिया में। चलिए अब आगे बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ये क्या चीज है। देखिए देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए तो यहां पर देखिए इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे देखते हैं डबल ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए इसमें क्या चीज है, मान लीजिए इसको मैं आसान भाषा में समझा देता हूं कि इसमें क्या चीज है। देखिए इसमें क्या होता है द्विविस्थापन यानी कि दो बार विस्थापन। तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक फोन है,
मान लीजिए MI कंपनी का मेरे पास क्या है, फोन है, एक मेरा दूसरा फ्रेंड है जिसके पास Realme का फोन है, और हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए फोन यूज करते करते बोरियत सी महसूस होने लगे, तो हम क्या करते हैं एक दूसरे के फोन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब आपके दो परमाणु, दो आपके दो यौगिक होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के परमाणुओं का एक्सचेंज कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। मान लीजिए इसका कैप उतारा मैंने ब्लू वाले का और ब्लैक वाले के साथ जोड़ दिया, और इसका मैंने इसके साथ जोड़ दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं, देखिए कैसे। तो मान लीजिए जैसे आपका कोई एक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट भाई साहब जो है इसकी अभिक्रिया हमने करा दी NaOH से, तो होगा क्या, देखिए अभिक्रिया कैसे होगी। तो यहां पर देखिए NaOH छोड़िए, यहां पर एक दूसरे से करवा देते हैं, मान लीजिए हम करवा देते हैं CaOH2, इजी रहेगा समझने के लिए CoH2। देखिए तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए इस कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सल्फेट जुड़ा हुआ है, इस कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, और इस कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड यानी कि OH जुड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, जो आपका कॉपर जो है और कैल्शियम जो है, एक दूसरे से आपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। मतलब जो कॉपर जो है वो पहले सल्फेट के साथ जुड़ रहा था, कॉपर जुड़ जाता है किसके साथ, OH2 के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर OH2 है ना, प्लस यहां पर जो अब जो कैल्शियम था वो इसके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, मतलब बनेगा CaSO4। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आपका है AgNO3, ठीक है, AgNO3 है, और इसकी अभिक्रिया हमने करा दी KCl से। ये आपका है सिल्वर नाइट्रेट, और इसी सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग है वो हम जब वोटिंग कराते हैं ना, वोट देने अगर आप गए होंगे तो यहाँ पर आपके उंगलियों में लगाया जाता है ना वो जो आपका एक स्याही सी लगाई जाती है, ये आपकी यही होती है AgNO3। अगर आपका AgNO3 है, ये आपका है पोटेशियम क्लोराइड, अगर इनकी आपस में अभिक्रिया होती है, देखिए कैसी होती है द्विविस्थापन, देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके Ag है यानी कि आपकी चांदी है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रेट, और इस पोटेशियम के साथ कौन जुड़ा है, क्लोराइड। तो होता क्या है, ये जो चांदी है वो तो जुड़ जाती है इसके क्लोराइड से, और आपका पोटेशियम है वो जुड़ जाता है इसके साथ। देखिए क्या बनेगा, Ag और आपका यहाँ पर Cl प्लस, यहाँ पर बनेगा KNO3। ध्यान ये रखना है, गड़बड़ ये नहीं करनी है, आप में से क्या होगा भाई, बहुत सारे क्या करेंगे, Ag को जोड़ देंगे इसके साथ, K के साथ, और जोड़ देंगे NO3 को Cl के साथ, ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था भाई कोई भी जो आपका यौगिक बनता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इसमें दोनों प्लस प्लस हो गए, इसमें दोनों माइनस माइनस हो गए, तो ऐसे नहीं होता है, एक प्लस एक माइनस से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ना, तो जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो इस समय एक चीज होती है जिसको बोलते हैं आपका जो आपके जो अभिक्रिया होती है उनमें क्या होता है कि आपके जब आयन होते हैं एक दूसरे को एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं ना, तो वहां पर अपघटनीय अभिक्रिया, मतलब एक प्रकार से विक्षेपण अभिक्रिया उनको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आयन होते हैं एक दूसरे से मिलते नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, और देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है जो अणु है वो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है, इसको हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए मान लीजिए ये अभिक्रिया है, ये आपका है सोडियम का सल्फेट Na2SO4 है, और जब इसकी अभिक्रिया हमने करा दी बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से, तो अगर यहाँ पर बनेगा BaSO4 यानी कि बेरियम का सल्फेट प्लस बनेगा NaCl, ठीक है NaCl यहां पर बनेगा। तो यहां पर क्या होता है, ये जो है ना ये भाई साहब Ba और SO4 ये एक दूसरे में घुलते नहीं है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उसके जो घटक होते हैं आपस में घुलते नहीं है उन्हें बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ध्यान रखना है कि अवक्षेपण जो अभिक्रिया होती है उसका निर्माण भी आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया से होती है, इसमें जो ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे में घुलते नहीं है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, अवक्षेप बोलते हैं, ध्यान रखना है उन्हें क्या बोल देते हैं, अवक्षेप बोल देते हैं। तो ध्यान रखना है ये जो अभिक्रिया है ये आपके अवक्षेपण का उदाहरण है, ठीक है, ये आपकी है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो आपके यौगिक हैं जो आप एक दूसरे में अपने जो आयन है अपने एटम है इनको क्या कर देते हैं एक दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए तो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आपके खत्म हो गई हैं। अब देखिए
यहां पर एक चीज बची हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन, उसको हम अलग से पढ़ेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन को। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार खत्म हुए हैं, लेकिन अभी अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आपका मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया है ना, और आपका उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, उनके बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बाकी है अभी, तो चलिए उनको पढ़ते हैं एक बार, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, यानी कि मंद व तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में। बड़ी सिंपल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने लिए। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार खत्म हो गए हैं, लेकिन अभिक्रियाओं के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब देखते हैं आपके स्लो व फास्ट, यानी कि आपका स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, इनको बोलते हैं मंद व तीव्र अभिक्रिया, मंद व तीव्र अभिक्रिया। अब आप सोच रहे हो ये क्या चीज है भाई। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, देखिए एक है स्लो अभिक्रिया, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला, पहले हम पढ़ते हैं मंद अभिक्रिया, इसको बोलते हैं मंद अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, नाम से ही पता लग रहा है। देखिए स्लो रिएक्शन यानी कि मंद अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कई घंटे, कई दिन, कई साल लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रियाएं बोलते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कई घंटे, कई दिन, कई साल भी लग जाते हैं, ऐसे अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहते हैं। आप सोचेंगे तो हम ही जानते हैं सर, अरे आप जानते हो, मुझे पता है, नाम से पता लग रहा है, लेकिन एग्जांपल है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बताइए आपके लोहे पर जंग लगना, बताइए मंद किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आपने मंद और तीव्र अभिक्रिया के बारे में पढ़ा ही नहीं, फिर आप सोचेंगे अभिक्रिया तो चार प्रकार की होती है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विविस्थापन, खत्म, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये भी आपके सिलेबस में है। देखिए तो स्लो अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में कई घंटे, कई साल, कई वर्ष लग जाते हैं। जैसे आपको पता होगा जो कोयले का निर्माण होता है, भाई कोयले का निर्माण कैसे हुआ था, कोयले का निर्माण आपके पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं वो आपके धरती के नीचे दब गए थे, और धरती का टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो क्या हो गए आपके, वो आपके कोयले के अंदर तब्दील हो गए, ऐसे कोयले का निर्माण हुआ था। तो ऐसे अभिक्रियाओं को ही बोलते हैं मंद अभिक्रिया, जिनको संपन्न होने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है ना वो क्या है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, कोरिजन ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये आपको ध्यान रखना है। आप लिख सकते हैं इसमें पहला तो ये, दूसरा जो आपका होता है कोयले का निर्माण लिख सकते हैं, कोयले का फॉर्मेशन ऑफ कोक, कोयले का निर्माण, ये भी आपके क्या होती है, ये आपके मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको ध्यान रखना है कि लोहे पर जो जंग लगती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना है लोहे पर जो जंग लगती है ना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3
पॉइंट एक्स एच टू, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है। जब लोहे के ऊपर जंग लग जाती है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है एफ ई टू ओ थ्री पॉइंट एक्स एच टू। एक्स क्या है, जितने जल के अणु होते हैं वो आपके एक्स, ठीक है। जैसे एफ ई टू ओ थ्री पॉइंट फाइव एच टू ओ पॉइंट सिक्स एच टू, तो ध्यान रखना है ये आपके एक्स एच टू होते हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टलन जल, यानी कि जितने आपके वाटर के अणु ऐड होते हैं उनको क्रिस्टलन जल बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब आपके लोहे के अंदर जंग लग जाती है तो बताइए क्या होता है, उसका मास बढ़ जाता है या घट जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। बताइए वजन द्रव्यमान जो होता है बढ़ेगा घटेगा या समान रहेगा, तो ध्यान रखना है कि जब लोहे के ऊपर जंग लगती है ना, लोहे के ऊपर जंग लगती है तो उसका द्रव्यमान है बढ़ जाता है। देखिए सूत्र से पता लग रहा है ना, तो ध्यान रखना है जो मास होता है वो क्या होता है, इनक्रीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि लोहे का जब लोहे के ऊपर जंग लगती है उसका द्रव्यमान है यहां पर बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया के बारे में जो आपकी है तीव्र अभिक्रिया, इसको बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया यानी कि फास्ट रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। अब ये क्या चीज है भाई, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है या आप बोले तो न के बराबर समय, ठीक है, टाइम तो लगता है ना, मतलब आप ऐसे बोलेंगे कि भाई ऐसे अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में मतलब पलक झपकते ही संपन्न हो गई या समय ही नहीं लगा, ऐसे अभिक्रियाओं क्या बोलेंगे, तीव्र अभिक्रिया यानी कि फास्ट रिएक्शन। एग्जांपल बताइए सर, अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो आपके क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ध्यान रखना आपके अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है यानी कि एसिड एंड बेस, जब आप एसिड एंड बेस मिलाते हो यानी कि अम्ल है या आपका क्षार है बेस मिलाते हो तो यहां पर बनता है साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो आपके फास्ट अभिक्रिया यानी कि आपका तीव्र अभिक्रिया का एग्जांपल है। तो ये आपके थी स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इनमें देखिए। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जैसे प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है वो भी इसी का एग्जांपल है, फास्ट रिएक्शन का प्रकाश संश्लेषण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण ये भी आपके फास्ट अभिक्रिया का ही एग्जांपल है, पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है ना। तो प्रकाश संश्लेषण है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रकाश संश्लेषण है वो भी आपके फास्ट अभिक्रिया के अंदर ही आती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें टाइम जो लगता है वो आपका 10^-12 अगर आपको पूछ ले तो ये भी ध्यान रखिए भाई, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है इसमें 10^-12 सेकेंड का समय लगता है, ये इसका हाफ टाइम यानी कि अर्धायुकाल कहलाता है, ठीक है, अर्धायुकाल बताया था ना, अर्धायुकाल का होता है वह समय जिसमें अभिकारक के आधे मोल होते हैं वो उत्पाद यानी कि जो आपके हाफ ऑफ रिएक्टेंट चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट है ना, वह टाइम जिसमें अभिकारक के जो आधे मोल होते हैं वो आपके उत्पाद में चेंज होते हैं उसे बोलते हैं अर्धायुकाल। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है प्रकाश संश्लेषण उसका अर्धायुकाल होता है 10^-12 सेकेंड, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम आगे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसको पढ़ते हैं, फिर उत्प्रेरक के बारे में बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में।